नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड 24। आज हम पहुंचे हैं धोली मंडी के वीर हनुमान मंदिर में। इस मंदिर के अंदर सुबह से लेकर के शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है, क्योंकि आसपास के इलाके के अंदर ये हनुमान मंदिर ऐसा है जहां पर बैठने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए और सुंदरकांड वगैरह करने के लिए काफ़ी जगह है। आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर यहाँ पे कालीन बिछी हुई है। अभी चूँकि 12 बजे के बाद में मंदिर बंद हो जाते हैं, पट बंद हो जाते हैं, इसलिए जो हनुमान जी की जो मूर्ति है वो हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर भी 22 तारीख रामलला प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या के अंदर होगी उसको लेकर के काफ़ी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस समय हमारे साथ में है श्री राम नवयुवक सुंदरकांड मंडल के अध्यक्ष रामकिशोर कुमावत। रामकिशोर जी से हम जानेंगे कि ये 22 तारीख का जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसको लेकर के यहाँ पे वीर हनुमान मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे। सबसे पहले तो रामकिशोर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जय श्री राम। अब ये जो कार्यक्रम, ये अयोध्या के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसको लेकर के आपने काफ़ी कुछ कार्यक्रमों का यहाँ ऐलान किया है, हमने बोर्ड भी देखे हैं, तो क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे? हमने करीब एक महीने पहले से ही पूरे चौम में जहाँ भी हम लोग सुंदरकांड पाठ करते आ रहे हैं वहाँ उसी समय से हम लोग इस जो 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसके पूर्व संध्या पर यहाँ 21/1/2024 रविवार को सायंकालीन 6:15 बजे से हमारा यहाँ संगीत में सुंदरकांड पाठ करने का किया है हमने। उसमें विशेष ये रहेगा कि इस बार हम लोग चौमू क्षेत्र में पहली बार राम दरबार का सजीव चित्रण सजाएंगे। उसमें पूरे देवता जो भी राम दरबार में विराजते हैं, जैसे कि गणेश जी हैं, श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी, हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न और शंकर भगवान, गुरु वशिष्ठ, ऐसे अनेकों झांकियां उस राम दरबार में शुरू से अंत तक 3 घंटे तक ये राम दरबार सजा रहेगा। और शुरू में हम जब गणेश जी को मनाएंगे उसके तुरंत बाद रामलला की पहले पूजन होगी, उसके बाद राम दरबार की पूजा होके ये कार्यक्रम शुरू होगा और राम धुनी के साथ ये कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। उसके बाद सुंदरकांड पाठ होगा जो ठीक शाम को 6:15 बजे रविवार को ये शुरू हो जाएगा। उसके बाद 22 तारीख को भी इसी मंदिर में सुबह से ही पहले सत्संग का आयोजन है सुबह 11 बजे से, और उसका लाइव सीधा प्रसारण किया जाएगा, जो काफ़ी भक्त लोग आएंगे इसको देखने के लिए, जो हम लोग प्रचार प्रसार के लिए घर घर जाकर प्रेरित करेंगे लोगों को। और शाम को लगभग 5100 दीपकों की रोशनी की जाएगी। उसके बाद आतिशबाजी का भी रहेगा और डीजे भी लगाया जाएगा ताकि लोगों को इसका आनंद लेने का पूरा आनंद मिले, क्योंकि हम लोग इस कार्यक्रम को दीपावली की तरह मना रहे हैं। और हर भक्तों से आग्रह करेंगे आप भी अपने घर पे जिस प्रकार दीपावली मनाते आ रहे हैं, दीपक जलाकर पूजन कर, पटाखे छोड़कर बच्चों को भी साथ लेकर आप लोग इस कार्यक्रम का एंजॉय करें। और सभी भक्तों से हमारा आग्रह है कि आप भी अपने घर पर जहाँ कहीं भी आप विराजते हैं भगवान के इस कार्यक्रम में शामिल हों और इस चौमू को राम में बनाने की पूरी कोशिश करें। जय श्री राम। एक रामकिशोर जी, आपने बताया कि 21 तारीख को 3 घंटे का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो इस 3 घंटे के कार्यक्रम को देखने के लिए काफ़ी भक्त लोग भी आएंगे, तो उनको लेकर के क्या कुछ व्यवस्था आपके द्वारा की गई है? हमने यहाँ मंदिर के बाहर जो कि हर साल हम प्रोग्राम करते आ रहे हैं यहीं पे राम दरबार सजाया जाएगा रोड पर, और बाकी टेंट लगाकर नीचे गद्दे वगैरह बेडशीट लगा के भाई भक्तों को सर्दी से बचाव रहे उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। जितने 1008 आसनों पर हम प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, तो जितने ज़्यादा लोग भक्त आएंगे उतना ही ये चौमू राम में बनेगा। यही हमारा सभी भक्तों से आग्रह है कि आप लोग पधारें। एक मंदिर को भी कोई सजावट का कार्यक्रम है क्या? मंदिर में हमने 10-15 रोज पहले ही जो सजाते हैं हमारे हर बार राम जी रामपुरा से हैं उनको हमने काम दिया है, वो आज ही ये लाइट लगाना शुरू कर चुके हैं जो आपके इस मंदिर में अभी लगा रहे हैं। साथ ही इस मंदिर में चारों तरफ सफाई भी करवाई जा रही है ताकि गंदगी का माहौल नहीं रहे, और राम में का पूरा विचार हमारा यह है कि ये पूरा चौमू क्षेत्र राम में हो, यह हमारी कोशिश है।
तो ये आप पीछे देख सकते हैं कि ये जो रोशनी की जो व्यवस्था है, ये अभी से डेकोरेशन मंदिर का है वो शुरू हो गया है। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं इनको लाइटिंग करके इसको सजा रहे हैं। हमारे साथ में रामकिशोर जी, रामकिशोर जी को हम लेकर के चलते हैं कि यहाँ पे जो सफाई का जो अभियान चला रखा है, आपने देखा कि ये किस प्रकार से 21 तारीख और 22 तारीख को यहाँ पे कार्यक्रम होने जा रहा है और इन सुंदरकांड के पाठ हैं। इसके अलावा जो लाइव इन्होंने बताया कि भाई जैसे जो राम दरबार की सजीव झांकी का चित्रण भी यहाँ पे किया जाएगा, तो इस प्रकार से निस्संदेह ये जो आयोजन है वो भव्य आयोजन करने की इनके द्वारा कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी मनीष यादव के साथ दिनेश कुमार, द न्यूज़ वर्ल्ड 24।